भारत ने जीत लिया सेमीफाइनल और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब आए देखते हैं कौन होगा। पर उससे पहले आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने लिए 7 विकेट 57 रन। कुलदीप ने 1 विकेट, बुमराह 1 विकेट, सिराज 1 विकेट। और कैच लेने में सबसे ज्यादा माहिर रहे आपके सर जडेजा। तो सोचिए आज का मैच धड़कन रोकने वाला, और मैं कहूं तो ये उनके लिए नहीं था जो दिल के मरीज हैं। तो सबसे बढ़िया मैच रहा, 70 रन से जीता। और आज सबसे बढ़िया, आज कोहली ने अपने 117 रन के साथ साथ 50वीं सेंचुरी करी, आज जिसको देखकर आप सचिन तेंदुलकर भी बड़े खुश हुए। और बड़े खुश होने के साथ उन्होंने कहा कि देखिए मेरा, जिसने पहली बार ड्रेसिंग रूम मेरे साथ शेयर किया था और मेरे पांव छुए थे और कहा था कि मुझे आशीर्वाद दें, तो आज मैं बहुत खुश हूं उसके लिए। और रोहित ने जो शुरुआत दिलाई मैच में, 48 रन की पारी खेली, हर हमेशा पूरे उसमें उन्होंने 48 रन की, जिस तरह से पूरा सीरीज खेली है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कप्तानी पारी खेली। अय्यर जिस पे पहले विश्वास नहीं दिखाया जा रहा था, काफी उन्होंने आज 105 रन की पारी खेली। और जिस तरह से उन्होंने लगातार 2 सेंचुरी मारी, गिल ने 80 रन मारे, इंजर्ड होने के बावजूद वो दोबारा भी आए क्रीज पे। तो ये होती है आपको एक बैट्समैन, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि अपने देश के लिए फिर भी करना है, इंजर्ड होने के बाद भी करना है। तो अब देखने के लिए ये है कि हमारा आने वाला फाइनल, मैंने कहा था कि अपनी फिंगर्स क्रॉस रखें और भारत जीतेगा। मैंने फिर भी कहा था कि मजा तो तब आता जब पाकिस्तान होता, पर आज सही में धड़कने रुक गई एकदम से, और लगा कि एक बारी मैच फिसल रहा है। पर जिस तरह से शमी ने आज कमाल किया, 7 विकेट उन्होंने निकाली, और जिस तरह से उन बैट्समैन आपके न्यूजीलैंड के खेल रहे थे, एक बारी धड़कने वाकई में रुकी। पर बहुत बहुत बधाई इंडियन पूरी टीम को, पूरे भारत को। और मैं बोलूंगा फिर से, आज भैया दूज के दिन खिलाड़ियों ने अपनी बहनों को और पूरे देश को गिफ्ट दे दिया सेमीफाइनल के रूप में। तो ये जीत बरकरार रहे, एक मैच और रह गया, बस एक मैच और, ये स्पिरिट बनी रहे और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ये हम लोग दुआ करते हैं। और भारत इसी तरह से अच्छा करते रहे। गुड लक।